Hello students, in this session we are going to start with exercise 10.4, question number first. Two circles of radii 5 and 3 cm. हमारे पास दो circles है जिनका radius है 5 और 3. Intersect at two points. दोनों एक दूसरे को दो point पे intersect कर रहे हैं और दोनों के centers के बीच का जो distance है वो है 4 cm. We have to find the length of the common chord. पहले इस डेटा के ऊपर से एक फिगर तैयार करते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. लेट्स डू इट. सो दिस आर आवर रिक्वायर्ड सर्कल्स. ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. लेट्स ओ ए इज रेडियस एंड ओ बी इज ऑल्सो रेडियस. दोनों का लेंथ होगा 5 और इसका सेंटर है सपोज ओ. सो व्हाट डू वी हैव हियर इज Here we have circle with center O and radius 5. फिर यहां से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट लेके एक और सर्कल बनाना है. ठीक है, तो वो होगा हमारा सर्कल विथ सेंटर. सपोज दिस पॉइंट इज P और ये जो सर्कल हम बनाएंगे इस सर्कल का रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर. So we have drawn a circle with a radius 3 centimeter. ठीक है, अब see this will be the radius of smaller circle, that is 3. This will be the radius of a smaller circle, that is also 3. Then अब हम triangle consider करते हैं OAP. In triangle OAP we have AP is equal to 3. इसका हम square कर देते हैं, AP square is equal to 9. इसी तरह से we have AO is equal to 5. So AO का square कर दो मतलब ये हो जाएगा 25. और we have PO is equal to 4. तो PO का square कर दो मतलब ये हो गया 16. Then now we can see that here AP square plus PO square, AP square plus PO square, यानि कि 9 plus 16, that is equal to 25 and that is equal to AO square. AP square plus PO square is equal to AO square. ये तो हो गया हमारा Pythagoras proof. अब अगर कोई तीन sides, triangle की तीन sides Pythagorean triplet है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा और उस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा. गॉट इट. इसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग 10 स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. दैट मींस हियर ट्राइंगल ओ ए पी इज राइट एंगल विथ एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90. अब जैसे हमने इसको राइट एंगल प्रूव किया, इसी तरह से ये नीचे वाले को भी राइट एंगल प्रूव कर देंगे और इसमें भी ये पी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री. ऑल्सो इन ट्राइंगल ओ बी पी एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. डन. ये एंगल और ये एंगल 90 मतलब मिला के हो गया 180. Therefore, AB is a straight line. Therefore, AB is a straight line. यानी कि अब हम AP और PB को add कर सकते हैं. ठीक है, so AP plus PB is equal to 3 plus 3 is equal to 6. और AP plus PB यानी कि AB. So AB is equal to 6. ये हो गया हमारे common chord का length, which is equal to 6. Got it?